फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज है छोटी दीपावली, तो छोटी दीपावली से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और दोपहर से। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो आप लोग दीपावली में कैसे घर में सजावट किए हैं, साफ़ सफाई किया है, वो मुझे बताना कमेंट करके। और मैंने अपने घर की सफाई तो कर लिया, बट जो है वीडियो बना के शेयर नहीं कर पाई क्योंकि काम कर रही थी उस टाइम। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ। आजकल रियान के पढ़ाई के चक्कर में ना मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना कि गाइस मुझे और कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो गाइस चलिए, मार्केट जा रही हूँ अभी और कुछ सामान खरीदूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप गाइस मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहना। गाइस मैं आ गई हूँ दीपावली का सामान लेने यहाँ पे, और देखिए मार्केट पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, सब जो है दीपावली की शॉपिंग ही कर रहे थे। तो मैंने यहाँ से रंगोली लिया, और जो है यहाँ से फिर लटकन वगैरह लिया है घर के लिए, शुभ दीपावली का लटकन लिया। तो ये सारा सामान खरीदने के बाद रियान जो है जिद कर रहा था, उसे चाहिए था पटाखे। तो हमारे दिल्ली में पटाखे तो बैंड है, तो हम कहाँ से खरीदे। तो ये देखिए पॉप पॉप वाला ये पटाखे है, ये बहुत सारा ख़रीदा। और रियान ने यहाँ से बंदूक वगैरह लिया अपने लिए, और जो रियान को पसंद आया वो लिया। फिर मैंने यहाँ से ख़रीदा झलर। तो दीपावली की शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी गाइस घर पे, और शॉपिंग में आपको दिखा नहीं पाई उसके लिए सॉरी। हस्बैंड जी को मिला दीपावली का गिफ्ट ऑफिस से, और हस्बैंड जी को मिला है रज़ाई, साथ में बेडशीट और ड्राई फ्रूट, और मिठाई वगैरह भी मिला था मेरे देवर को, वही यहाँ पे रखा हुआ था। आज मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन, और आज है नेक्स्ट डे, वही ड्रेस पहन के जा रही हूँ। तो आपको लग रहा है सेम डे शायद होगा, लेकिन नहीं, नेक्स्ट डे था। और कपड़ा ये पहनी थी मैं एक दिन, तो मैंने सोचा आज भी पहन लेती हूँ। और रेलवे स्टेशन में किस लिए जा रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो गाइस हमारे स्टेशन में, तो आज है बड़ी दीपावली, और बड़ी दीपावली के दिन आई है मेरी मम्मी। तो फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी जो है ट्रेन से आई है, तो हम लोग जो है मेट्रो से अभी लेने जा रहे हैं मम्मी को। मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और ये हम पूरा तीनों आए हैं मम्मी को लेने, रियान भी आया है, रियान को खुशी में नाच रहा है ना, वो क्या करेगा समझ नहीं आ रहा। तो गाइस चल के बाहर चलते हैं, क्योंकि मम्मी जो है पहुंच गई है और हम गाइस लेट हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी चल के पहुँचते हैं मम्मी के पास। और यहाँ पर जो है ना बहुत लंबा जो है मेट्रो स्टेशन का लाइन है, चल के जाना पड़ता है बाहर, तो टाइम लगता है। चलिए लो आशीर्वाद लो। तो रियान ने अभी आशीर्वाद लिया है, पैसे दिया है उनका भाई आंटी को। हम गाइस पहुंच गए स्टेशन, और मम्मी मेरी बैठी है सीढ़ी के पास, क्योंकि मम्मी का जो ट्रेन है वो पहले ही पहुंच चुकी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास, कहाँ है मम्मी देखती हूँ। ये देखिए गाइस यही ट्रेन जो है फिर से हमारे रुद्रपुर जाएंगे। सीढ़ी और है क्या है? सीढ़ी और है क्या यहाँ पे? चलो फिर मेरी मम्मी आ गई लड़की के घर पे। तो मम्मी के लिए लिया है हमने यहाँ से कॉफी और ये सैंडविच, और रियान ने चिप्स लिया है। तुम्हें खाओ, तुम्हें खाओ। रियान कैसा लगा? तो रेलवे स्टेशन में जब मम्मी से मिली ना, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी इसलिए। और अभी हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं घर पे, और पहुंच गए हैं घर पे। घर पे आते ही मम्मी जो है मेरी सासू माँ से मिलने आई, और ये देखिए सासू माँ को प्यार भी कर रही है मेरी मम्मी। और बाल जो है खुली हुई थी, क्योंकि मैं मम्मी को नहला के फिर रेलवे स्टेशन में गई थी।
तो वही देखिए मम्मी। और ये देखिए रात के टाइम जो है मैंने वीडियो बनाया था, ये हम सब ने मिल के जो है रंगोली बनाया था। तो रंगोली कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, जैसे भी बनाया वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये क्लिप तो उल्टा ही बन गया। देखिए रियान अपने नानी के साथ बैठ के यहाँ पे बालकनी में पटाखे फोड़ रहा है। कैसे दिखाओ ना गाइस को, दिखाओ इतने सारे पटाखे रियान ने फोड़ा। आज तो दीवाना दिवाली, ये कौन सा गाना है मम्मी? दिवाली 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 रियान, मैं तो डर गई। और एक बार करूं रियान, मैं तो डर गई। दीपावली के दिन मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई हूँ, काम में इतनी बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिला। और कैसी हालत बना के रखी हूँ मैं अपना, तो कोई बात नहीं मम्मी आइए, मैं उसी में खुश हूँ। दीपावली होने के बाद आज है गाइस नेक्स्ट डे, और आज मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ लाजपत मार्केट। वहाँ मैं मम्मी को घुमाने भी लेके जा रही हूँ, मार्केट दिखाने भी लेके जा रही हूँ, और मम्मी को जो पसंद आएगा वो मम्मी ख़रीद भी लेगी। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं लेके जो है वीडियो बना रही हूँ, और ये वीडियो जो दो तीन दिन का वीडियो मिला के एक वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, और थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया आप लोगों के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मम्मी आई थी तो मैंने ज़्यादा मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड किया। और लाजपत मार्केट में देखिए कितना सुंदर रौनक है, क्योंकि दीपावली के बाद ही आई थी और लाइटिंग कितना सुंदर है ना, तो ज़्यादा भीड़ नहीं था। और जो भी हमें ख़रीदना था वो हमने ख़रीद लिया था, और क्या ख़रीदा वो मैं आपके साथ दिखा ही नहीं पाई। सच में गाइस मैं सब कुछ ही भूल गई थी, क्योंकि मूड भी थोड़ा सा मेरा ऑफ था किसी रीजन के वजह से, इसलिए। तो गाइस आज हम आए हैं कालकाजी मंदिर मम्मी को घुमाने के लिए। प्रॉपर अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इसलिए। तो चलिए कालकाजी मंदिर दर्शन कराते हैं माता की आपको। गाइस हम कालका मंदिर से दर्शन करके अभी जा रहे हैं लोटस टेंपल मम्मी को लेके। मम्मी जो है लोटस टेंपल देखेगी कालका मंदिर में। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, और मन को इतनी ज़्यादा शांति मिला ना क्या बताऊँ। लोटस टेंपल के लिए यहाँ पे लाइन लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। माट स्वेटर तो उठाओ, तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं लोटस टेंपल देखने के लिए। और अंदर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। वैसे तो मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ और आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया है, बट फर्स्ट टाइम मैं अपने मम्मी के साथ आ रही हूँ। और मेरी मम्मी जो है फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मेरी मम्मी भी लोटस टेम्पल देखेगी। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल लगा के रखे हैं देखने के लिए, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है लोटस टेंपल का। और ये फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मेरा पिंक कलर तो वैसे ही फेवरेट कलर है, बट रेड कलर तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना बनता है। और ये देखिए लोटस टेंपल पे अभी हम लोग जाएंगे। और ये देखिए ऊपर से मैं दिखा रही थी कितना ज़्यादा भीड़ था। तो लोटस टेंपल देखने के बाद हम लोग आए इस्कॉन टेंपल। इस्कॉन टेंपल दोपहर के टाइम आए थे ना, तो वहाँ पे दोपहर के टाइम पूजा होता है, आरती हो रही थी, तो मम्मी उस टाइम ही आई थी। और मम्मी जो है कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानती है और पालन भी करती है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस्कॉन टेंपल पर। और यहाँ पर देखिए पूजा भी हुआ था जन्माष्टमी, उस टाइम का ये जो है मूर्ति वगैरह लगाया था, सजावट किया था, वही दिखा रहे थे, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करना। बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे से नाराज़ भी हो। तो गाइस मैं सच में पता नहीं क्या हो गया कि मैं आजकल वीडियो नहीं बनाती हूँ, और इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। मुझे वीडियो बनाने में अब आलस आता है, एडिटिंग करने में आलस आता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना, कमेंट करना। बाय, थैंक यू।